हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट चैनल। सो आज है थर्सडे। यस, तो आज है थर्सडे और मेरी फ्रेंड आई है बचपन की, श्रुति। तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ब्लॉग, बिकॉज मैं अपनी फ्रेंड से अब आई गेस दो तीन साल बाद भी नहीं बट मैं मिली हूँ श्रुति से बीच में, और वो नोएडा आई है बिकॉज शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर और उसका एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है उसकी कंपनी की साइड से। सो उसने मुझे इन्वाइट करा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई डिसाइडेड कि हम साथ में चलते हैं, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ और हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे बिकॉज मुझे भूख लगेगी ऑब्वियसली। दिन भर मैंने अभी थोड़ा डांस वगैरह कर लिया है, सुबह का वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया है, उसकी क्लिप्स मैं ऑलरेडी अटैच कर दूंगी सो यू कैन एंजॉय वॉचिंग मी। एंड अब मेरे पास कड़ी रखी है क्योंकि मैंने कल कड़ी बनाई थी, और चावल रखे हैं तो मैं वही खाऊंगी, अब मैं कुछ अलग से नहीं बनाऊंगी। एंड वो खाने के बाद फिर हम रेडी होते हैं और हम चलते हैं श्रुति से मिलने। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम तो आपको पता होगा कि पापड़ के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे लाइफ में खाने के लिए पापड़ बहुत ज़रूरी हो जाता है, या फिर कुछ तो नमकीन होना चाहिए, बट नमकीन में भी वो मज़ा नहीं आता जो मुझे पापड़ में मिलता है। मेरी मम्मी को ये बात पता है और वो हमेशा, मतलब जब भी पापड़ ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे से पहले ही पूछ लेती है ख़त्म हो गए हो तो फिर मैं रख दूँ, किसी के हाथ भिजवा दूँ। तो मेरे पास अभी पापड़ की पूरी दुकान है, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं घर जाऊँगी फिर मैं लेकर आऊँगी। तो भोजन की तैयारी हो चुकी है, नाउ इट्स जस्ट स्टार्टेड। तो ये रहा मेरा खाना आज का, ये है कढ़ी चावल और ये है पापड़। पापड़ के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी ऑब्वियसली, तो ये हम खाते हैं। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि आइलैंड लगा लूँ बिकॉज मैंने अभी कल ही आइलैंड स्टार्ट करा है, सो मुझे अच्छा लग रहा है वो। ऑब्वियसली फैंटेसी ड्रामाज आर माय काइंड ऑफ अ थिंग, तो मैं सोच रही हूँ आइलैंड ही लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो या फर्स्ट एपिसोड मैंने डाउनलोड करके रखा था, कल मैंने आधा ही देखा था, तो अब देखते हैं। खाना खा लिया मैंने और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ। पहले मेरा मन था कुछ इंडियन में पहनने का, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो विथ सम ट्राउजर, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी बात वही आ जाती है कि मैं ट्राउजर पे चली जाती हूँ, बिकॉज सी बाहर अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मुझे सिर्फ एक हुडी कैरी करनी है, हुडी या फिर एक नॉर्मल स्वेटर में भी काम चल जाएगा बिकॉज ठंड ऑलमोस्ट जा चुकी है और रात में बस ठंड लगती है, रात मुझे होना नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा पतला सा स्वेटर पहन जाती हूँ, या फिर मैं स्वेटर पहनती हूँ, स्वेटर नहीं मतलब मैं फुल कुछ पहन लेती हूँ और ऊपर से फिर मैं वेस्ट पहन लेती हूँ। सो आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या पहनूँ, लेट मी सी। एक तो अब गर्मी चली गई है ना, एक तो अब ठंड चली गई ना, समझ में नहीं आता है, मुझे शायद उस साइड कुछ ढूंढना पड़ेगा बिकॉज यहाँ तो पूरा स्वेटर वाला अड्डा है। सो गाइस, दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे, और ऊपर मैंने ये ब्लैक शर्ट पहनी है, नीचे मैंने ये ऑफ ग्रे टाइप का कुछ ट्राउजर है। सो मुझे ये ट्राउजर इसलिए पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट बेल्ट, इसमें ये ऑलरेडी मुझे मिली थी, एंड बोथ ऑफ दीज आइटम्स आर थ्रिफ्टेड, सो प्लीज लिंक मत मांगना, मैं पेजेस मेंशन कर दूंगी मैंने जहां से खरीदा। आई गेस दिस वन इज फ्रॉम ट्विटी पिक्स, दिस वन इज फ्रॉम दी ओएसिस, तो मैं दोनों के लिंक मेंशन कर दूंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए और हम रेडी होते हैं। एंड
आई एम रेडी एंड मैंने क्लॉक क्लिप भी लगा लिया क्योंकि वही एक हेयर स्टाइल है जो मैं बाहर बनाती हूँ. मैं अपने बालों को पता नहीं क्यों बाहर खोल नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है वो ख़राब हो जाएंगे और मुझे पसंद नहीं है. हवा में बिल्कुल उड़े जा रहे हैं मेरे बाल और मैं उन्हें संभाल नहीं पा रही हूँ. इसलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं हमेशा अपने बालों को बांध के जाती हूँ. ये मैंने फ्रिंजेस अभी कट कर रहे हैं तो बताना कैसे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो गए थे तो मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने घर में ही काट दिए. सो अब हम बस पर्स ले लें, फ़ोन ले लें एंड शूज़ पहन लेते हैं एंड वी आर रेडी टू गो. मैं श्रुति को एक बार टेक्स्ट कर देती हूँ कि मैं निकल रही हूँ और यहाँ से रास्ता भी बहुत बड़ा है तो मैं शायद एक ही बुक रख रही हूँ बिकॉज मैं फिर मेट्रो में बोर हो जाऊँगी और मैं ड्रामा भी देखती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी देर तक मैं क्या ही ड्रामा देखूँ. मैं भी पढ़ रही हूँ एक शंकर पारीकू सर की, क्योंकि मेरे बैग में होगी वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. वेट, या गेट एपिक शिट डन, मैं अभी ये वाली पढ़ रही हूँ और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो पहले डू एपिक शिट पढ़ना, उसके बाद फिर डू एपिक शिट डन पढ़ना, गेट एपिक शिट डन पढ़ना. सो ये वाली मेरी अभी चल रही है. मैंने एक नया मैं कहूँगी कि लॉ बनाया है मेरे लिए, प्रिंसिपल सेट करा है, दैट इज़ मुझे एक वीक में एक बुक कंप्लीट करनी है. एनी हाउ मैं ट्राई नहीं करूँगी, मुझे करना ही है कि मैं एक वीक में से कंप्लीट कर दूँ. और नेक्स्ट मैं एक लेकर आई हूँ जो मुझे सत्यजीत ने गिफ्ट करी है. वेट, आई जस्ट टेल यू द नेम. हीलिंग इज द न्यू हाई, ये बुक मुझे सत्यजीत ने गिफ्ट करी है. सत्यजीत इज़ माई इन्फोसिस फ्रेंड, वो अभी डेली आया था तो मैं उससे मिलने गई थी तो उसने मुझे ये बुक गिफ्ट करी थी बिकॉज ऑब्वियसली माई पीपल नो कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या गिफ्ट में चाहिए है. सो उसने एक सही चीज़ मुझे गिफ्ट में दी है. सो इसके बाद मैं वो रीड करूँगी एंड नाउ लेट्स जस्ट गो. हेलो हेलो, हाँ 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 आ गई, मैं गेट पे हूँ. गई श्रुति अभी आई नहीं है, वो मुझे बाहर लेने आने वाली है, उसने गेट नंबर 1 का बोला है तो मैं गेट नंबर 1 के बाहर आ गई हूँ. मैं वेट कर रही हूँ श्रुति का, पता नहीं कहाँ पे है, बट लेट्स जस्ट वेट है ना. मुझे वीडियो कॉल कर रही है दिखाने के लिए कि कहाँ पे है जगह, बिकॉज हम लोग शायद मिल नहीं पा रहे हैं. ओके, उसका वीडियो कॉल आ रहा है. हाँ भाई, कहाँ पे? ओके शायद, हाँ मैं यहीं कहीं पे हूँ, रुको एक मिनट, शायद रुको एक मिनट, आ रही हूँ. ये पिंक तो मेरे को दिख रहा था यार कहीं पे. दो एग्जीबिशन, एक कोई हॉटी एक्सपो है क्या? एक कोई हॉटी एक्सपो है? अच्छा हाँ, ठीक है आ रहे आ रहे आ रहे. ओके मैंने उसको देख लिया, शी इज हेयर. क्या यार, बड़ी सुंदर सी लग रही है तुम. बना सकते हैं क्या? भैया ये सब स्टोर्स हैं, मतलब ब्रांड्स हैं, ये प्रॉपर एक्सपो हो रहा है, प्रॉपर सेवन हॉल्स हैं इसमें. सेवन हॉल सिर्फ इसी के सेवन हॉल सिर्फ.
सो गाइस मैं श्रुति से मिल के आ गई हूँ और वहाँ फैशन शो था अभी 3:30 से, बट मैं वो अटेंड नहीं करूँगी बिकॉज फिर ज़्यादा लेट हो जाता, मुझे घर भी जाना रहता है और वहाँ पे मुझे और काम है। वैसे मैं सोच रही थी आज कहीं और जाने के लिए, बट आज मैं थोड़ा उस प्लान को रोक देती हूँ, मुझे लाजपत जाना था शॉपिंग के लिए, बट आई एम नॉट गोइंग टुडे, मैं कल प्लान करूँगी कुछ। बट अब हम चलते हैं घर पर, घर पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, घर जाने में अभी मेरे को 1 घंटा लग जाएगा आराम से, तो घर चल के पहले रेस्ट करते हैं और फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। बाय द वे हैप्पी चॉकलेट डे, आज चॉकलेट डे है, सो श्रुति ने मुझे चॉकलेट डे पे यही दिया है, सो हैप्पी चॉकलेट डे। मेट्रो स्टेशन यहाँ से पास ही है, इफ़ यू कैन सी वो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, तो मैं पैदल ही जा रही हूँ। ये अच्छी बात है कि मेट्रो से पास था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल आ जा सकती हूँ, अदरवाइज फिर मुझे ढूंढने में भी प्रॉब्लम जाती कि कहाँ पे लोकेशन है कहाँ क्या है। मेट्रो से पास था तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट चली गई थी। मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ और मैं अब घर जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, चॉकलेट खाऊंगी, एक मैं आइलैंड स्टार्ट करा है मैंने तो वो देखूंगी, और उसके अलावा आज मैं सोच रही हूँ खाने में कुछ अच्छा बनाऊँ, मेरे पास पनीर रखा है तो मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी, लो मुझे देख लो थोड़ा तो मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। मुझे वैसे अच्छा लगा वहाँ जाके, पता चला कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में भी क्या क्या है, क्या क्या उनके सेलिंग बायर्स में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, अच्छा लगा मुझे देख के। शाम हो गई है, 5 बज गए, मैं घर आ गई हूँ और मैं रास्ते में कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करती हुई आई, बिकॉज मैंने बहुत दिन से फ्रूट्स नहीं लिए थे, शिमला मिर्च नहीं थी तो पनीर की सब्जी नहीं बन पा रही थी, आज फाइनली शिमला मिर्च आ गई है। तो पहले हम चाय बनाएंगे, मुझे ब्लैक टी पीनी है, यस मैं कुछ दिन से ब्लैक टी पी रही हूँ, तो मैं ब्लैक टी बनाऊँगी, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे फिर। सो गाइज आई एम बैक एंड मैं चेंज वेंज करके फिर चाय रखती हूँ एंड मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगी जब मैं सब्जी वब्जी बनाऊंगी, थोड़ा मैं रेस्ट करूंगी बिकॉज मैं भी थक गई हूँ यार, सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, मैं सोई नहीं हूँ, मैंने आइलैंड के 2 एपिसोड देखे और मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी से season 1 और season 2 कंप्लीट कर दूं, बट मैं ऐसे बिंज वॉच नहीं करने वाली हूँ, मैं उठ गई हूँ, मैं टाइम अपना ऐसा नहीं कि पूरा आज यही दे दूंगी, बट आई विल वॉच 3rd and 4th episode ऑल्सो टुडे ओनली, बट रात में देखेंगे, अभी पहले चाय बनाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, एडिट करने बैठते हैं, उसके बाद फिर हम आइलैंड देखेंगे। If you are watching me from a very long time, तो आपको पता होगा कि प्याज काटने के बाद ये हालत होती है, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बोला गया था कि आप धोकर प्याज काटना तो आंसू नहीं आएंगे, मैंने वही करती हूँ, मैं हमेशा धोकर ही प्याज काटती हूँ, बट तब भी मेरे आंसू आते हैं, आंसू फिर भी कम है बट ठीक है हम सह लेंगे थोड़ा। मेरी ब्लैक टी रेडी है और मुझे थोड़ी कड़क चाय ही पसंद है, अगर मैं दूध वाली चाय भी पीती हूँ तो मुझे थोड़ी कड़क चाय पसंद है, अब इसको ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है तो हम इसे निकालते हैं और फिर चाय पी के हम सब्जी बनाते हैं बिकॉज ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गई है। बन रही थी, मैंने एक रील एडिट कर लियो, मैंने बनाया है चिली पनीर, यस 99% 100% वो हो गई है सी, मैंने इस बार इस फ्रेम में बनाया है, मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मैंने ये देखे थे इस टाइप के वीडियोस, बट आई रियली वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, तो मैंने फाइनली बनाया, मैंने अपने ब्यूटी पेज के लिए बनाया। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा ब्यूटी पेज अलग से है इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, सो गो एंड चेक दैट आउट। पहले अब हम टेस्ट कर लें कि कैसा है।
आई होप नमक ज्यादा ना हो गया. परफेक्ट आई गेस. परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है बट हाँ इट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट नाउ. मैं ये सूखा खा रही हूँ. मुझे ये थोड़ा सा एडिट और करना है मेरा वाला जो वीडियो है और मैं ये थोड़ा सा सूखा खा रही हूँ बिकॉज जब शिवांगी मैम आएंगी तब हम रोटी के साथ खाएंगे. ये मैं अपने थंबनेल पे इस टाइप की फोटो लगाऊंगी. अच्छा लग रहा है ना. मतलब मैंने ग्राफिक आईलाइनर क्रिएट करा था. इसका ट्यूटोरियल भी मैंने शूट करा है. वो मेरे मेन चैनल पे आएगा तो वो आप चेक कर सकते हैं. सो गाइज अब मेरी बारी है रोटी बनाने की बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत खा लिया है. मैंने एक वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी है. मैंने एक रील एडिट कर दी है. मैं एक लॉन्ग वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी जो मुझे कल अपलोड करनी है. और मेरा पेट थोड़ा सा भर गया है बट मुझे रोटी बनानी है. शिवांगी मैम अभी आई नहीं. जब तक वो आएंगी तब तक हमारी रोटी बन गई होंगी. फिर हम डिनर करके सो जाएंगे और मैं आइलैंड का थर्ड एपिसोड भी देखूंगी. मैं अब जाऊंगी रोटी खाना. अब मैं जाऊंगी रोटी वोटी बनाऊंगी और मैं ब्लॉग यहीं बंद कर रही हूँ बिकॉज आज बहुत बकवास हो गई है. सो या दैट्स इट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. बाय.